उन्होंने हमें समय दिया, उन्होंने हमें ये अपना टाइम दिया, स्पेस दी, जगह दी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमारे बीच में होटल विशाल से विशाल भैया हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत जो है जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने हमें समय दिया, हमने प्रोग्राम बड़े आनंद फानंद में ये पूरा जो है जुगाड़ लगा के इसको फटाफट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट में बुलाता था तो हाजिरी देनी जरूरी थी माँ को। और थोड़ी देर में सुषमा राजपूत जी जो कि एक वर्सटाइल सिंगर हैं, वो उधमपुर से बिलोंग करती हैं, वो भी आके इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तो मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है वहां वहां तक जितने भी लोग सुन रहे हैं जल्दी से आके विराजमान हो जाएं। हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपके कार्यक्रम का आज का होस्ट आपका एंकर डी के आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माँ वैष्णो देवी की और माँ के जो नौ रूप है उनकी कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप दीर्घायु हो, आपके जिंदगी में रोग क्लेश नष्ट हो जाए, दुख पीड़ाओं का अंत हो, हमेशा हर्ष उल्लास उन्नति प्रगति और धैर्य और साथ ही साथ माँ का आगमन हो और माँ का वरदस्त हाथ जो है वो आपके मस्तक पर है। जयकारा श्री रविंद्र बाबू सांचे दरबार की जय। हम माँ के नाम की गरिमा तब समझते हैं जब हम यहाँ से भवन पहुंचते हैं और जब हम आरती में बैठते हैं, जब माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जब माँ के वहां पे मंत्र उच्चारण होते हैं, तब हमें फील होता है कि नहीं इस पूरी धरा को जो है वो माँ वैष्णो देवी चला रही है, वो हमारे सामने बैठी है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म जो है इस धरती के ऊपर हुआ है। पूछिए उन लोगों से जो न जाने कितने 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सफर करके यहाँ पहुंचते, उस धरती को चूमते हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार जाके अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और कुछ तो शुक्राना अदा करने जाते हैं। तो माँ वैष्णो देवी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने, माँ हमारी दादी माँ है, माँ हमारी मालकिन है, माँ हमारी सबसे बड़ी प्रोटोकॉल है, माँ हमारी ब्यूरोक्रेसी है और माँ ही हमारी सरकार है। तो माँ के बाद सब शुरू होता है संसार। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए थोड़ा म्यूजिशियन साहिबान आपका थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जोरदार तालियां एक बार हमारे म्यूजिशियन साहिबान के, धन्यवाद। अब आपका काम है, ऑडियंस का काम है कि पूरे बचनों का आनंद लेना, इनकी सुरीली आवाज का आनंद लेना।
चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं मंच पर जहमत देने जा रहा हूं हमारी भाजपा की शान और हमारी ऑनरेबल डीडीसी हमारी निर्मला देवी जी, हमारी बड़ी बहन, वो ऑन स्टेज आ जाए। उनके साथ हमारे रतन सर, वो ऑन स्टेज आ जाए। अजय सर, वो भी ऑन स्टेज आ जाए। उसके बाद विशाल भैया ऑन स्टेज आ जाए। हमारे वरुण भैया, वो भी ऑन स्टेज आ जाए। आप सभी से बहुत बहुत विनती और अरदास की मंच पर आकर ज्योति प्रज्वलित करके हमारे प्रोग्राम का जो है आगाज करें। मेरी टीम से बानू जी, चेतन जी, मानिक जी जो भी हैं साथ साथ रहे, भाइयों का सपोर्ट और साथ हमारे साथ है। और मैं ऑडियंस को बता दूं, ये हमारी डोगरी भजन संध्या है। बस ज्योति प्रज्वलित होते ही आप पूरा यहाँ का माहौल जो है वो भक्ति में देखेंगे, और अभी भी भक्ति में है, लेकिन माँ के रंग का आप अनुभव करेंगे, माँ के होने का आप अनुभव करेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा ये प्रोग्राम जो है ये हमारी मातृभाषा डोगरी में समर्पित है। अब मैं स्विच करता हूँ डोगरी में, तो तुम्हें थोड़ा सारे का बड़ा बड़ा माता माता स्वागत है। तो मैं चाहना कि अपने शुभ हथे करने सारे कार्यक्रम का आगाज कर सर। वरुण जी आ जाए ऑन स्टेज। राकेश भैया आप क्यों जाके, मैं गुस्सा के जाऊंगा, थोड़ी सी स्पेक्स डाली हुई है, थोड़ा नंबर आ जाए सामने, आ जाए प्लीज, आ जाए ऐसे कर। तो तुसे सारे मां दा जयकारा लाना, मां दा जयघोष करना, मां दे नां दी अलख लानी है, मां दे नां दी जोरी है, कहते हैं कि दाड़ मारनी है एक बारी, जयकारा शिरवाली दा वाह सांचे दरबार की। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचा मुखं पद्म स्तंभे जीवाहं कीले बुद्धिं विनाशय हलीम ओम स्वाहा। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम त्र्यंबकं जयमय स्कंदिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुगमिव वंदनं मृत्युमुक्षिमामता। को बोलूंगा कि हमारे जो ऑन स्टेज गेस्ट हैं उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। उससे पहले मां के नाम के पीतांबर हिमांशु जी जो कि इस पूरे प्रोग्राम की यूएसबी, वो भी ऑन स्टेज आ जाए, मैं माफी चाहूंगा। भाई हमारी बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत काबिल तारीफ काम कर रही है, और नारी शक्ति जो है वो अब इतिहास लिख रही है। एक जमाना था जब रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता था, या कल्पना चावला का नाम लिया जाता था, या किसी भी फीमेल का नाम लिया जाता जिन्होंने समाज में नाम किया। आज नाम इन शख्सियतों का है जिन्होंने समाज में डंका बजाया है काम का। उसके बाद मैं चाहूंगा कि पीतांबर जो है पानू जी आप यहाँ स्टेज आ जाए, नीचे क्यों खड़े हैं। सबसे पहले हमारी माँ दुर्गा का उनका हम कि पीतांबर पहना के माँ का आवाहन करते हैं, माँ का अभिनंदन करते हैं, माँ का स्वागत करते हैं, माँ का वेलकम करते हैं, और माँ को अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ इसी तरह जिस तरह आपके नवरात्र हैं, इसी तरह हर दिन आप हमारे जिंदगियों में रहें और शुभ अतिशुभ हमारे साथ होता रहे। हमारे दुख दर्द कलेश जो है, सबसे पहले हमारे आरएसएस की शान हमारे अजय सर और बहुत जरीन शख्सियत, तालियां जोर से एक बार तालियां बजाते जाएं साथ साथ, जोरदार तालियां।
उसके बाद हमारे विशाल भैया जोरदार ताली हो जाए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जोरदार ताली हो जाए। हमारे वरुण भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार, ये सभी कटकी जितने भी लोग आप देख रहे सभी कटरा की शान है। हमारे रतन सर जोरदार तालियां हो जाए एक बार, इनके लिए भी तालियां बजाते रहे तभी कार्यक्रम शुरू होगा, वरना हम कार्यक्रम को शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद निर्मला जी भैया, अब मैं चाहूंगा कि एक जयकारा जयकारा लगा के एक हमारे बाजू सर, ये भी हमारे आरएसएस के एक्टिव मेंबर हैं और गुरुकुल में ये अध्यापक हैं। तो अब आप देख रहे हैं जितने भी लोग इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात माँ वैष्णो देवी के अनन्य भक्त हैं सभी, मुझे छोड़ गए, मैं शायद पापियों में आता हूँ। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम की, आज की माँ की इस चौकी की इस टोकरी भजन संध्या की। हमारे बीच में हमारे एक्टिव मेंबर अंकु शर्मा जी भी आ गए, जल्दी से आगे आ जाएं। तो तालियां जोर से इन सभी शख्सियतों के लिए, तेउनस अपने कार्यक्रम का सही मायने च सही तरीके करने इधर आगाज करने जा रहे हैं। सारे म्यूजिशियन साहिबान तुम तैयार हो, ठीक है? तुम आवानियां तुझे शान बजाई है, तो सारे जिन्हें सिंगर ना उन्हें तुम आवानियां गाई है, तो आज पूरी तौर का प्रवेश लेना, तो पूरी तौर की मौज लैनी है मां के नाल ही नची है। तो संकु जी लेट हो स्कूल का थोड़ा स्वागत करा दे है। ते हिमांशु जी तुसी विनती है भी सारे एक्टिव मेंबर, अच्छा बनु जी इधर गया जयकारा शेरा वाले का सामने दो बहुत सांचे दरबार की। चलिए विराजमान हो जाए ते आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। सर्कल ऑफ पहले सारे बिच अवा करते हैं, पहला गायक पहला आज का सड़ा गायकी दी क्षेत्र का प्रवान अवा जेड़ा गाने ले, ते मैं चाहना कि मती मती तालियां कन्नै नुहाड़ा स्वागत करना, नुहाड़ा हौसला बधाना, ते उसी जोश देना। राहुल डोगरा जी जोर जोर ताली बजाइए, नुहाड़ा स्वागत करो, जोर ताली बजाइए। कोटी कोटी प्रणाम। उस तो बाद जिन्नी भी संगत माँ के चरणों में आई थी उनके चरणों में भी मेरा कोटी कोटी प्रणाम। बड़ी सच्चे दरबार की आवत, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए,
हमारे धर्म केसर जी जोरदार तालियां बजा दो एक बार और इस जय दरबार की। तो आप देंगे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करना है तो सब तो पहले गणेश की आराधना की जाती है। आओ सारे ने मिली है गणेश की मनाचा तालियां दे नाल गाई है जिन्हें भी हाजरी लगे होगा सारे ने मिली है हाजरी लानी बोले सच्चे दरबार की। मैं सबके नाम नहीं जानता लेकिन जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, जिनका भी इधर थोड़ा सा भी सहयोग है उनके नाम के भी जोरदार ताली बजा दो। और इसके दरबार की गणपति गणेश तू मनायो मोरी देवा गणपति गणेश तू मनायो मोरी देवा गणेश मनायो मोरी देवा गणपति गणेश तू मनायो मोरी देवा गणेश मनायो मोरी देवा जय 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 तेरी जय हो गणेश जय 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 तेरी जय हो गणेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणपति गणेश तू मनायो मोरी देवा Oh,
बल्कि टूट जाती है, लेकिन दरबार वही आता है जिन्हें माँ भगवती बुलाती है। बड़ी सच्चे दरबार की एक बार जिनकी बदौलत हम आज यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, हमारे धर्म भैया केसर जी, जोरदार तालियां बजा दो। मैं आज से 10-15 साल पहले ऑडिशन देने आया था, उस वक्त उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस वक्त सोनू निगम जी का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, और सोनू निगम जी के ये बहुत थे कि जैसा इंटरव्यू इन्होंने आज हमारा लिया है किसी ने नहीं किया। सच्ची बात बोल रहा हूँ रुबिया, एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्या बात है, और बहुत इतनी मेहनत की है और आज इस मकाम पर है कि फिल्में भी आई हैं, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। बोले सच्चे दरबार की, तो आओ माँ की सच्ची सच्ची जोत जल चुकी है, तो माँ की जोत की तरफ चलते हैं। उतनी बार हमारी जीवा विवस्त रहती है। और इस सच्चे दरबार की दरबार